हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्लारी कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर थोड़ा एक मूविंग प्लेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब भी मेरा जेट जो है मूविंग प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करता है तो एंड पर्टिकुलरली जब प्लेट मेरा नॉर्मल टू जेट है तो उस टाइम पे कितना फोर्स ट्रांसफर होता है, आइए देखते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा बिकॉज अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा नज़दीक जा रहा है एक्चुअल टर्बाइन पढ़ने के तरफ। आप देखिए कि जो हमारा टर्बो मशीनरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा कुछ है कि एक डैम से आप हाई प्रेशर हाई वेलोसिटी से पानी लेके आते हो और नोजल जो है वो आपकी प्लेट के या तो बकेट के ऊपर स्ट्राइक करता है और एक फोर्स इम्पार्ट करता है। वो फोर्स के कारण आपका जो कह सकते हो रनर जो है या टर्बाइन जो रोटेट होता है और वो रोटेशनल एनर्जी जो है मैकेनिकल फॉर्म की उसको आप जनरेटर में ट्रांसफर करते हो विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल यू नो सिस्टम, चाहे वो गियर ड्राइव है कुछ भी है, और वो मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर है कि हाउ डज टर्बाइन टेक्स द हाइड्रो एनर्जी और उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, और वो सारा खेल डिपेंड करता है आपके इंपैक्ट ऑफ फोर्स के ऊपर। ठीक है, तो हमने अब तक देख रहे थे कि जब मेरी प्लेट स्टेशनरी है, पहले हमने फ्लैट प्लेट के ऊपर देखा, फिर कर्व्ड के ऊपर देखा, वहां पर भी दो केस देखे, जेट स्ट्राइकिंग एट द सेंटर, जेट स्ट्राइकिंग एट द टेंजेंशियल, बट उसमें प्लेट कहीं मूव नहीं कर रही थी। अब क्योंकि ये प्लेट मूव भी कर रही है यहां पर एक्चुअल टर्बाइन में, तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई जो इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल है उसमें क्या बदलाव आता है जब मेरी प्लेट मूव कर रही है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा प्रिंसिपल था, जैसे मैंने बताया कि पहले मेरी प्लेट फिक्स थी और फ्लैट लिया था, फिर मैंने प्लेट को थोड़ा कर्व्ड किया जानने के लिए कि क्या बदलाव आता है फोर्स और इक्वेशंस में, फिर मैंने प्लेट कर्व्ड लेके एक टिप से एंटर करा, दूसरी टिप से बाहर निकाला पानी को, राइट। और अब जो हम करेंगे क्या करेंगे, फ्लैट प्लेट को मूव कराने देंगे, मतलब कि ये फ्लैट प्लेट जो मूव करेगा विद सम वेलोसिटी दैट विल बी बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द जेट। ठीक है, सिमिलरली फिर इसको भी मूविंग वाला केस देखेंगे और फिर इसका भी मूविंग वाला केस देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट, बट बिफोर दैट मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि आपका इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल में क्या बदलाव आता है विद द हेल्प ऑफ मूविंग प्लेट्स। देखिए, अब तक हम ये देख रहे थे कि जब मेरा प्लेट फिक्स था और मेरा एक जेट जो है वो स्ट्राइक करके निकल रहा है और अगर मुझे प्लेट के ऊपर फोर्स निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, मेरा एक इनिशियल सेक्शन मार्क करता था मैं प्लेट के इंपैक्ट के पहले और फाइनल सेक्शन मार्क करता था और दोनों सेक्शन के ऊपर मैं वेलोसिटी का वेक्टर मार्क करता था, वी आई और वी एफ, और मेरा मास प्रोडक्ट भी मार्क करता था m.i m.f। ठीक है, और मुझे अगर जानना था कि बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन इस प्लेट के ऊपर एन डायरेक्शन में कोई भी डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है मुझे जानना था, तो मैं क्या यूज करता था, FPN इक्वल्स टू m.i vin माइनस m.f vfn। ये मेरा फॉर्मूला था जो मैं यूज करता था अभी तक, बट अब ये तो मैं कब यूज करता था, मेरा प्लेट फिक्स था तब। अब देखिए, अब जब मेरा प्लेट भी मूव करेगा विद द जेट, मान लीजिए मेरा जेट वेलोसिटी आपका v मीटर पर सेकेंड का है और प्लेट भी मूव कर रहा है एट सम वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड, ये मान लो 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है पानी का और ये आपका है 3 मीटर पर सेकेंड का। मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा पानी का जेट है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से और जेट में यहां से पानी रिलीज कर रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इसके ऊपर जो इंपैक्ट होने वाला है वो इंपैक्ट जो होगा वो किसके कारण होगा, क्या 10 मीटर पर सेकेंड वाले वेलोसिटी के कारण होगा कि 3 मीटर पर सेकेंड वाले वेलोसिटी के कारण होगा, क्या लगता है आपको? ये जो इंपैक्ट होगा, मान लीजिए ये 10 से भाग रहा है, ये भी 10 से जा रहा है, तो क्या वाटर कभी भी स्ट्राइक कर पाएगा प्लेट के ऊपर? नहीं, कोई फोर्स लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। मतलब कि ये कि जब भी इंपैक्ट होगा तो इंपैक्ट उसका डिफरेंस, दोनों वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस क्या है उसको ध्यान में रखते हुए इंपैक्ट फोर्स जनरेट होगा। अगर डिफरेंस आपका जीरो होगा तो कोई फोर्स जनरेट होने ही नहीं वाला, स्ट्राइक ही नहीं होगा प्लेट। अगर ये 100 मीटर पर सेकंड से आपने पानी फेंका है बट ये खुद भी 99 मीटर पर सेकंड से आगे भाग रहा है, कितना 99 मीटर पर सेकंड से, तो इंपैक्ट कितना होगा, ये 99 से आगे भाग रहा है, 100 मीटर से इसके पीछे भाग रहा है, खाली 1 मीटर पर सेकंड का जो डिफरेंस है वेलोसिटी उसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। तो ऑलवेज जो इंपैक्ट फोर्स जनरेट होता है पानी का और प्लेट का उसके बीच में, तो वो जनरेट होता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर। रिलेटिव वेलोसिटी किसका हुआ? वेलोसिटी ऑफ वाटर इन रेफरेंस टू द वेलोसिटी ऑफ प्लेट। अगेन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर इन रेफरेंस टू द वेलोसिटी ऑफ प्लेट, उसका क्या मतलब है? देखिए, तो फॉर्मूला में डिफरेंस क्या आएगा, अभी भी कह रहा हूं, देखिए वेलोसिटी वेक्टर्स जो थी आपका वी आई था, अब ये हो गया वी आर आई एन, आर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहां पर मैं क्या कहूंगा, ये वी आई है तो वी आर आई क्या होगा, वी आर आई ये होगा कि वेलोसिटी ऑफ द जो आपकी प्लेट है, मतलब सॉरी वाटर है, उसमें से मैं प्लेट की वेलोसिटी मान लो यू है उसको माइनस कर दूं तो ये रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर बन गया। डायरेक्शन तो वही है,
तो इस रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर का आपका कंपोनेंट निकालेंगे तो v माइनस यू इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसको कंपोनेंट में डिफाइन करने के लिए क्या करूंगा, v माइनस यू कॉमा जीरो, बिकॉज मेरा वो रिलेटिव वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन का है, हॉरिजॉन्टल का ही है, राइट right? तो वर्टिकल कंपोनेंट उसका जीरो है, तो ये जो v माइनस यू है इसको आप कहोगे वी आर आई एक्स, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर का इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर वी आर आई का एक्स कंपोनेंट, और ये जीरो जो है उसको आप कहेंगे वी आर आई का वाई कंपोनेंट। समझ में आया? तो ये अभी खाली डिफरेंस कहां पर आएगा इक्वेशन में, वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हम अभी तक ले रहे थे वो एब्सोल्यूट के ले रहे थे, अभी आपको क्या लेना है, रिलेटिव का लेना है। दूसरा, मास फ्लो रेट जो हम लोग कंसीडर कर रहे थे एम डॉट आई, हम कहते थे कि एम डॉट आई जो मेरा है वो एम डॉट है, वो मेरा होता है रो ए वी, बट ये जनरली क्या होता है, ये मास फ्लो रेट होता है मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग द प्लेट। अब क्योंकि मेरा ये जो प्लेट है सपोज वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये पानी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पानी जो यहां से मान लो 10 केजी पर सेकंड पानी निकल रहा है वो पूरा का पूरा पानी इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है एवरी सेकंड। अब प्लेट जब फिक्स थी और जेट जब लग रहा था तो जितना पानी नोजल से बाहर निकला उतना ही पानी हर सेकंड में स्ट्राइक कर रहा है, तो ये जो है ना एक्चुअली एम डॉट आई और एम डॉट एफ ये क्या होता है, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द प्लेट। बट जब प्लेट मूव करेगी तो उस टाइम पे जो मास फ्लोरेट पानी का नोजल के बाहर निकलता है उतना कभी स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि कुछ पानी का जो फ्लोरेट है वो तो उस जेट की लेंथ को बढ़ाने में यूज हो जाएगा और जो बच्चे का वो आपका पानी के ऊपर या प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए, मास फ्लोरेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द प्लेट, स्ट्राइकिंग मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये जो एम आर आई जो है ये क्या हो जाएगा, दिस इज ये रो ए वी जो हम लोग कहते थे, दिस इज रो ए वी, अभी तक वो रो ए वी ना होकर ये हो जाएगा रो ए वी माइनस यू, या तो यूं कह लो कि रो ए रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर वी आर उसका मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है? तो रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी माइनस यू, क्योंकि आपका जो मास फ्लो रेट ऑफ वाटर स्ट्राइक करेगा वो स्ट्राइक कितना रेट से करेगा, डिफरेंस वाले वेलोसिटी से रेट से ही करेगा स्ट्राइक भी, ठीक है। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन जो है, जब भी प्लेट मूव कर रही है तो ये इक्वेशन को यूज नहीं करना है, आप ये यूज करोगे जहां पर एम डॉट आर आई आपका है मास फ्लो रेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द प्लेट, और उसमें जो वेलोसिटी है रो ए वी वो आप लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। फिर वी आर आई एन जो है वो होगा आपका वी आर आई का एन कंपोनेंट, अगेन यहां पर भी सेम एम आर एफ जो होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी के कारण जो मास फ्लो रेट होगा वो, और वी आर एफ एन जो होगा वो आपका होगा रिलेटिव वेलोसिटी जो फाइनल सेक्शन पे होगी उसका एन डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो आइए देखते हैं अपना जो पहला केस जहां पर मेरी प्लेट फिक्स्ड है, मेरा जेट स्ट्राइक कर रहा है और जेट का वेलोसिटी वी है, ये नोजल मेरी फिक्स है हाथ में, बट ये जेट की वेलोसिटी के इंपैक्ट के कारण आपका जो ये आपका प्लेट जो अभी मूव कर रहा है एट सम वेलोसिटी, और वेलोसिटी मान लीजिए है वो यू मीटर पर सेकेंड, तो u जो है वो किसकी वेलोसिटी है, प्लेट की वेलोसिटी है, और v जो है वो किसकी वेलोसिटी है, मेरी जेट की वेलोसिटी। अब यहां पर मैं सेक्शन मार्क कर दूंगा i, और मान लीजिए मैं यहां पर मार्क करता हूं सपोज f, इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड करके यहां पर मार्क करूंगा बट चलेगा कोई दिक्कत नहीं, f1 और यहां पर बोलता हूं f2 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये जो वेक्टर मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, अब मैं वी आर आई ड्रॉ नहीं करूंगा, मतलब वी आई ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं ड्रॉ करूंगा वी आर आई, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है बाय डिफॉल्ट v माइनस यू, ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू प्लेट v माइनस यू, तो ये हो जाएगा v माइनस यू का x कंपोनेंट वाला, और y में इसका जीरो है, कुछ है ही नहीं क्योंकि पूरा का पूरा वेक्टर x में है। सिमिलरली ये जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा v r f1, लेंथ कितनी है v माइनस यू, बट ये पूरा का पूरा y में है, तो x का x कंपोनेंट जीरो, y कंपोनेंट v माइनस यू। सिमिलरली नीचे आएगा ये मेरा एक वेक्टर होगा वी एफ टू, ये रिलेटिव वाला सॉरी ये वी आर एफ टू है, ये वी आर एफ वन है, तो इसका एक्स कंपोनेंट जीरो, वाई कंपोनेंट आपका मैग्नीट्यूड वी माइनस यू है, तो वी माइनस यू तो है ही बट आगे माइनस लगा देंगे, क्यों, बिकॉज आपका पॉजिटिव नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, इसीलिए, ठीक है। बस ये हो गया। अब मास फ्लो रेट की बात कर लो, एम डॉट आर आई, एम डॉट आर आई इज इक्वल्स टू एम डॉट आर, दैट इज इक्वल्स टू रो ए वी माइनस यू, और यहां पर जो होगा एम डॉट आर एफ ये हो जाएगा एम डॉट आर बाई टू, उसका आधा हो जाएगा, यहां पर भी आधा हो जाएगा एम डॉट आर एफ टू दैट इज इक्वल्स टू एम डॉट आर बाई टू, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग, एफ पी एक्स इज इक्वल्स टू इस केस में एम डॉट
आर आई वी आर आई एक्स माइनस एम डॉट आर एफ वी आर एफ एक्स। अब क्योंकि मेरा फाइनल कंपोनेंट जो है दो में डिवाइडेड है, तो इस दोनों का मैं एडिशन करके यहां पे लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम डॉट आर आई वी आर आई एक्स को एज इट इज माइनस ये ब्रैकेट में एम डॉट आर एफ वन वी आर एफ वन एक्स प्लस एम डॉट आर एफ टू वी आर एफ टू एक्स। ठीक है, अब देखते हैं एम डॉट आर आई मेरा कितना हो जाएगा, एम डॉट आर जितना खाली एज इट इज, उसको लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज को। ठीक है, वी आर आई एक्स, वी आर आई का एक्स कंपोनेंट, वी आर आई का एक्स कंपोनेंट वी माइनस यू, भाई ये ध्यान से समझना, ठीक है, माइनस एम डॉट आर एफ वन एम डॉट बाई टू वी आर एफ वन एक्स, वी आर एफ वन का एक्स कंपोनेंट जीरो, प्लस एम डॉट आर एफ टू एम डॉट आर बाई टू वी आर एफ टू एक्स, एक्स कंपोनेंट जीरो अगेन, ये पूरा जीरो चला गया, ये बचा कितना एम डॉट आर वी माइनस यू। एम डॉट आर क्या हो जाएगा, रो ए वी माइनस यू आपका एम डॉट आर है और एक वी माइनस यू एज इट इज था बाहर, तो ये क्या बचेगा, रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर एफ पी एक्स। इसको आप मान मत लीजिए, मैंने क्या कहा था, अगर मान लो u इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, आपकी स्टेशनरी फ्लैट प्लेट जेट स्ट्राइकिंग एट द सेंटर हेल्ड नॉर्मल टू द जेट, राइट, तो इसका फॉर्मूला क्या है, रो ए वी स्क्वायर आ रहा है क्या, चेक करो, अगर u को जीरो करोगे तो रो ए वी स्क्वायर आ रहा है, यस आ रहा है, इसका मीनिंग क्या, आपने डेरिवेशन करेक्ट किया है। अब एफ पी वाई करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, यही इक्वेशन में आप खाली एक्स जगह वाई कर देंगे, तो एम डॉट आर आई वी आर आई वाई माइनस एम डॉट आर एफ वन वी आर एफ वन वाई प्लस एम डॉट आर एफ टू वी आर एफ टू वाई। यहां पर एम डॉट आर एज इट इज वी आर आई वाई कितना है, वाई कंपोनेंट ऑफ वी आर आई जीरो, माइनस एम डॉट आर एफ वन एम डॉट आर बाई टू वी आर एफ वन वाई, आर एफ वन का वी कंपोनेंट वी माइनस यू, प्लस एम डॉट आर बाई टू वी आर एफ टू वाई माइनस वी माइनस यू, वी माइनस यू तो था ही बट नेगेटिव कंपोनेंट उसका, तो ये नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कैंसिल, फाइनल क्या बचेगा जीरो, तो वी एफ पी वाई जो है वो जीरो है। समझ में आया कैसा है इसकी फॉर्मूलाज है, खाली आपका यू आने से खाली चेंज क्या हुआ, आपका वेलोसिटी जो कंपोनेंट्स थे उसका आपने क्या ले लिया, रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट ले लिए, और मास रेट जो आप करते थे रो ए वी का उसमें भी वेलोसिटी आपने क्या ले लिया, रिलेटिव वेलोसिटी, क्यों, बिकॉज वाटर स्ट्राइकिंग द प्लेट थोड़ा कम हो जाएगा व्हेन प्लेट इज मूविंग। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यूमेरिकल्स।